नमस्कार दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि हम घर में खुशियां लाने के लिए सबसे ज्यादा जहद-जिगर करते हैं, यानी कि हम अपनी कोशिशों में लगे रहते हैं जिससे कि हमारे घर में खुशियां आ सके और हमारे घर के सारे सदस्य खुश रह सकें। और घर में खुशियां तभी आ सकती हैं जब हमारा मन स्वस्थ हो और हमारे शरीर भी स्वस्थ हो, जिसकी वजह से हम अपने सारे काम कर सकें और कभी भी कोई भी समस्या आए तो उस समस्या को दूर कर सकें। हमारा स्वास्थ्य, मन और तन दोनों ही स्वस्थ रहेंगे तो हम अपने घर में खुशियां आराम से लेकर आ सकते हैं। लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा कि घर में अक्सर लोग पौधे लगा लेते हैं। अगर पौधे हरे भरे रहते हैं तो आपके घर में खुशियाँ आती रहती हैं। तो इसलिए माना जाता है कि यदि आप अपने घर में पौधे लगाते हैं तो उन पौधों की उस तरह से केयर कीजिए जैसे कि आपके घर के ही वह सदस्य हों। यदि आप ऐसा करते हैं तो इससे आपके घर में खुशियाँ आती हैं। तो मैं आज बताती हूँ आपको कौन से ऐसे पौधे हैं यदि आप अपने घर में लगाते हैं तो उससे आपके घर में खुशियाँ आ जाएंगी। नंबर एक, खाने वाली बेलें। आपने देखा भी होगा अक्सर घर पे लोग चढ़ने वाली बेलें लगा लेते हैं जो कभी घर से नीचे की ओर जाती हुई होती है या फिर घर से ऊंचा फ्लोर होता है तो वह उस पौधे में कोई डंडा या फिर रस्सी बांध देते हैं जिससे कि उसी के सहारे वह चढ़ती हुई चली जाती हैं। वह बहुत सुंदर भी लगते हैं क्योंकि घर की डेकोरेट भी करती हैं। ऐसा ही एक पौधा है मनी प्लांट। आपने अक्सर देखा भी होगा कि मनी प्लांट, जो कि हम पैसों का पौधा कहते हैं, अपने घर में लगाते हैं। ये पौधा सबसे अच्छा होता है यदि आप अपने घर में लगाते हैं तो इससे आपके घर में पैसों की कमी भी नहीं होती है और आपके घर में खुशियाँ आती हैं। नंबर दो, हमने अक्सर देखा है कि पेड़ पौधों के लगाने के लिए भी कोई ना कोई दिशाएं होती हैं। यदि हम दक्षिण से पूर्व की ओर बड़ी पत्तियों वाले, यानी कि चौड़ी पत्तियां होती हैं जिन पौधों की, चौड़ी पत्ती वाले जो पौधे होते हैं, यदि आप दक्षिण से पूर्व दिशा में उन्हें लगाते हैं तो वह आपके घर में समृद्धि, धन लेकर आती है और खुशियाँ भी लेकर आती हैं। तो आप कोशिश करें कि आप पौधे लगाते समय हमेशा अपने कोनों को ध्यान दें, जिसकी वजह से आपके घर में धन और समृद्धि हमेशा ही रहेगा। नंबर तीन, अपने घर में कभी भी पौधे लगाते हुए ये खास ख्याल रखना चाहिए क्योंकि वह सदस्य की तरह ही आपके साथ रहते हैं, तो आप उनको पौधों में जल दें और हमेशा सुबह शाम की उन्हें केयर होनी चाहिए। यदि पौधों में कभी पत्ते सूख जाते हैं तो आप उन्हें जल्दी से हटा दें या फिर मुरझा भी जाते हैं तब भी हटा दें, क्योंकि ऐसे पौधे घर में नकारात्मक ऊर्जा पैदा करते हैं जिससे आपके घर में लड़ाई झगड़े, बीमारी और भी कई कार्य हो जाते हैं। जैसे कभी कभी घर में लड़ाई झगड़े और कलेश भी हो जाता है। पति पत्नी में या भाई बहनों में छोटी मोटी लड़ाई तो होती है, लेकिन जो लंबी लड़ाई हो जाती है, जो लंबे समय तक चलती है, ये कभी कभी वास्तु दोष के कारण भी होती है। इसलिए आप अपने घर में पौधे लगाते समय कभी भी इन पौधों को ना रखें, क्योंकि ऐसे पौधे जो मुरझाए हुए होते हैं और जिनमें कोई भी जान नहीं होती, तो उन पौधों से घर में हमेशा नकारात्मक प्रभाव ही पड़ता है। नंबर चार, कभी भी घर के सामने या घर के अंदर कभी भी कांटेदार पौधे नहीं लगाने चाहिए, जैसे कि क्रैक्टस। क्रैक्टस का पौधा जो कांटों भरा होता है, यदि आप अपने घर में लगाते हैं तो वह आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा के साथ साथ लड़ाई झगड़े भी पैदा करता है। तो इसलिए आप कोशिश करें कि आप कांटेदार पौधे बिल्कुल ना लगाएं। लेकिन आप गुलाब का पौधा लगा सकते हैं क्योंकि उसमें कांटे होने के साथ साथ उसके साथ फूल भी होता है और वह आपको अच्छी सुंदरता भी देता है, खुशबू भी देता है और वह आपके घर में प्यार लेकर आता है। कांटे तो होते हैं लेकिन उसमें छोटे, लेकिन जो बड़े कांटे होते हैं, जो देखने में ही लगते हैं कि पौधा देखने में ही डेंजर है, तो वह पौधे आप अपने घर के सामने बिल्कुल ना लगाएं। नंबर पाँच, हम अपने घर में पौधे लगाते हैं, अच्छे अच्छे फूलों के, एक से एक फूलों के पौधे लगाते हैं जिसमें कलर भी ब्राइट होते हैं, कभी रेड कलर का गुलाब का फूल, कभी वाइट, क्योंकि वह महक देते हैं और महक देने के साथ साथ आपकी ज़िंदगी में मिठास घोल देते हैं। मिठास से याद आया कि आपके जीवन में मिठास के साथ साथ वह प्यार भी भर देते हैं, क्योंकि कभी कभी आपकी ज़िंदगी में थोड़ी सी खटासपन आ जाती है तो वह फूल आपकी ज़िंदगी में महक भर देते हैं। इसलिए यदि आप अपने घर में खुशबूदार पौधे लगाते हैं तो वह पौधे भी आपके घर में बहुत अच्छी सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि आप अपने घर में लगाते हैं तो वह पौधे खुशबू के साथ साथ और भी बीमारियां लेकर आते हैं, जैसे कि चमेली का पौधा। चमेली का पौधा बहुत ज़्यादा खुशबूदार होता है, उसके साथ साथ कुछ इंसेक्ट यानी कि कीड़े मकोड़े भी उसके साथ आ जाते हैं, जैसे कि उसके साथ सांप,
हमेशा देखा होगा कि चमेली के पौधे के आसपास कोई ना कोई सांप, बिच्छू ऐसे जानवर हो जाते हैं। तो आप कोशिश करें कि आप अपने घर में कभी भी चमेली का पौधा ना लगाएं। खुशबू तो देता है, लेकिन उसके साथ साथ वह बहुत सारी चीजें भी आपको प्रदान करता है। तो आप कोशिश करें कि ऐसे पौधे बिल्कुल ना लगाएं। ये है वह पौधे, यदि आप अपने घर में लगाते हैं तो आप अपने घर में खुशियां ही लेकर आएंगे और आपका स्वास्थ्य भी हमेशा अच्छा रहेगा। मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।